हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाकरम जी के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि थोड़ा सा हम बिजी थे, एक नया घर बनवा रहे थे तो उसी में बिजी थे। अब दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता रहूँगा, अच्छी से अच्छी जानकारी। तो इस वीडियो को जो है अपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि HF डिलक्स लेने वाले इस वीडियो को जरूर देखें वरना पछताओगे पक्का। तो क्यों, क्या इसकी जानकारी है, क्यों पछताएंगे आप, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी हम देंगे और आप खुद लास्ट में कहेंगे कि भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी की। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का है सब्सक्राइब आज कर ही लेंगे आप, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त MJ खान, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो भाई मेरे। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HF डिलक्स की ऑन रोड प्राइस की। देखिए 77,000 रुपये में सेल्फ स्टार्ट है दोस्त, 77,000 लगाने के बाद अगर आप जो करते हैं, ऐसा नहीं कि आप जैसे बाइक की सर्विस नहीं करवाएंगे, बाइक का पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, बाइक में हवा नहीं डलवाएंगे, बाइक को 100 की स्पीड में चलाएंगे, कितने की स्पीड में चलाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, बस क्या करना है, किस ढंग से करना है, यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। करेंगे आप सब पक्का है, करते हैं लेकिन ढंग से करेंगे, बस वही फर्क हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हवा जो है अगले में आप 35 से 38 रखिए, 30 से 35 में रखेंगे चल जाएगा, हवा जो है 30 से 35 रखिए। बाइक की स्पीड जो है, बाइक की स्पीड 40 से 45 या फिर 50 मैक्सिमम। पेट्रोल टैंक जो आप देख रहे हैं, पेट्रोल हमेशा पेट्रोल टैंक पर डलवाएं, यानी कि ओपन खुला जो फुटकर में पेट्रोल बेचते हैं वहां पर बिल्कुल मत डलवाएं। 40 से 50 की स्पीड में बाइक को चलाएंगे तो आपकी बाइक का स्पीड बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं बाइक की सर्विस कितने किलोमीटर पर करानी चाहिए। अगर आपकी बाइक पुरानी है तो 2500 से 2000, 2000 से 2500। अगर आपकी नई खरीदते हैं तो आपको 500 से 700 पर कंपनी बताती है, उसके बाद 2000 से 2500, फिर उसके बाद 2000 पर आपकी सर्विस होती रहेगी। तो आपका इंजन कभी भी नहीं खराब होगा। अगर पुराना इंजन आपका है, पुरानी बाइक है, तो आप 2000 से 2500 पर अगर आप सर्विस करवाएंगे तो आपकी बाइक कभी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप सुबह सुबह जैसे ठंडी हो रही है तो उस हिसाब से आप बाइक को स्टार्ट करने के बाद कम से कम 30 सेकंड बाइक को ज्यादा एक्सीलेटर ना दें और ना तुरंत चलाएं तो आपका इंजन कभी भी खराब नहीं होगा। पीछे जो हवा है टायर में वो 40 आप रखिए, 35 से 40 का हवा रखिए, कभी भी आपकी बाइक स्लिप नहीं करेगी, एवरेज अच्छा देगी, चलेगी भी बढ़िया, जो है बिल्कुल हवा की तरह भागते रहेगी। तो इस तरीके से आपको करवाना है। पेट्रोल जो है दोस्तों आपको हमेशा सर्विस जो है हमेशा टाइम पर करवाना है, और जो पेट्रोल जो है वो आपको पेट्रोल टैंक पर डलवाना है। कहाँ, भारत पेट्रोलियम या फिर आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो आता है वो, ठीक है ना, भारत पेट्रोलियम पर हो गया अगर वो ज़्यादा अच्छा, इंडियन ऑयल पर हो सके तो ना डलवाएं, या फिर आप चाहें तो डलवा कर इंडियन ऑयल पर एक बार 1 लीटर और दूसरी बार आप भारत पेट्रोलियम पर 1 लीटर डलवा के चेक कर लीजिए कि कितना चलती है आपकी बाइक, उसके अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि कौन से पेट्रोल पर हमें टैंक पर डलवाना चाहिए, इससे आप 100% आंकड़ा लगा लेंगे। ठीक है, बाइक में हवा आप आगे 30 से 35, पीछे 35 से 40, सर्विस 2000 से 2500 किलोमीटर पर हर सर्विस, पेट्रोल हमेशा 1-1.5 लीटर हमेशा बाइक में रखे वरना पछताएंगे। अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ तो पक्का पछताओगे दोस्त, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर आपका 1500 से 2000 का खर्चा लगेगा, लेकिन पेट्रोल आप डलवाएंगे पक्का है, पेट्रोल ऐसा नहीं बिना डलवाए बाइक आपकी चलेगी। बस डलवाना कैसे है, आपको हमेशा 1-1.5 लीटर जो है हमेशा आपकी बाइक में पड़ा रहना चाहिए। अब बाइक की स्पीड जो है 40 से 50 से ज़्यादा ना चलाएं, 8-10 साल आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का है दोस्त। इसी तरीके से अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे तो आपकी बाइक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्त। अब अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो जो हमारे द्वारा बताई गई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाइक वाले इस वीडियो को जरूर देखें।